हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट दो खबरें हैं, DSSB से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट और देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक कंपटीशन हुआ था, दो बच्चों ने स्पीच दी थी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, तो उस पर ज्योति और सोनम दोनों बच्चियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और काफ़ी कंपटीशन हुआ था दोनों के बीच में, लेकिन अंत में एक जीतता है वो हुआ और ज्योति उस कंपटीशन में जीत गई। तो सबसे पहले मैं ज्योति को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने अच्छा किया और आप वो डिजर्व करते थे। इसके बाद जो सोनम थी, सोनम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन सोनम गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम, आपने भी बहुत अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी, एक मतलब क्लियर आपने सारे वर्ड्स को प्रोनंसिएशन किया वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों ने मतलब। और मेरे लिए रियली बताऊँ दिल से, मेरे लिए बहुत टफ था, अगर मैं वोट करता तो मैं 50-50 दोनों को करता, क्योंकि मेरे लिए जो चीज़ें मैं देखना चाह रहा था, अगर जो सोनम का मैं देखूँ तो सोनम एक एक चीज़ को क्लियर बोल रही थी, ज्योति फास्ट बोल रही थी और ज्योति का जो हाथ हिलाने का थोड़ा तरीका मुझे ठीक नहीं लगा, और सोनम की कुछ एक दो मतलब स्टार्टिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, तो इस वजह से मेरे लिए दोनों इक्वल थे, मैं वोट नहीं कर पाता। इसके बाद अभी हम बात करते हैं, तो उनमें जो ज्योति है, ज्योति मतलब इस कंपटीशन को जीत चुकी हैं। इसके बाद आगे भी एक हम बड़े लेवल पे और बड़े लेवल पे कंपटीशन करेंगे, वो एक स्टेट लेवल पे हम चाह रहे हैं, पहले स्टेट लेवल पे जो कंपटीशन हो, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ ना कुछ, अभी मैं प्रदीप सर हमारे जो यूट्यूब पे, उनसे एक बार मैं डिस्कशन करूँगा। हालांकि वो एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, तो एक बार उनसे मैं बात करूँगा, डिस्कशन करेंगे। इसके बाद साथियों, जो भी मतलब जिन लोगों ने इन बच्चों को सपोर्ट किया है उनको दिल से धन्यवाद, ऐसे ही आप सपोर्ट करें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। हमारा टारगेट यही है कि बच्चों को आगे ले जाया जाए, उनका मनोबल बढ़े। इसके बाद हम बात करते हैं जो इनको प्राइज मिलेगा, वो मंडे को प्राइज मिलेगा, जो भी प्राइज मिलेगा उसकी पिक अपलोड कर दी जाएगी और इन बच्चों के व्यूज लेके मतलब पिक वगैरह अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करते हैं DSSB। तो DSSB में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है, DV में बच्चों के नाम नहीं आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व होती दिख रही है, लिस्ट भी आ रही है दोबारा। और इसके बाद जिन बच्चों का नाम नहीं आया है उनका लग रहा है मुझे कि शायद कुछ ही दिन में मतलब बहुत जल्दी आपको लिस्ट में नाम देखने को मिल जाए। अगर फिर भी नाम नहीं आता है तो आप जो DSSB ऑफिस है, अगर आप DOE से हैं तो DOE ऑफिस है, तो वहां पे आप एक बार कॉन्टेक्ट करें जाके। और मुझे नहीं लगता कि देखो, अगर मेन काम होता है एग्जाम आपका हो गया, क्वालिफाई हो गया, आप मेरिट में आ गए, DV के लिए अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको बुलाएं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वहां पे एक बार कांटेक्ट करें। कुछ ऐसे रीजन भी बताए गए हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक थी, DOB में डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक थी, इस तरह की जो मिस्टेक है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है, और ऐसा है तो आप एक बार DSSB ऑफिस जाएं या मतलब DOE ऑफिस एक बार आप विजिट करें, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि इस टाइप की मिस्टेक से भी कई बार ऐसा हो रहा है कि उनको उनका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मतलब सभी के लिए एक अच्छी खबर है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, उम्मीद ये है कि सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ तो मतलब शेयर कर दीजिए इसे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, स्टडी किंगडम के नाम से चैनल है। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट है आप लोगों के लिए, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।